हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। फ्लाइंग की टीम ने चंदाना गेट स्थित गोदाम में छापेमारी की। बता दें कि छापामार कार्रवाई डीएसपी रविंद्र शर्मा की अगुवाई में हुई। दरअसल गोदाम में मिलावटी काला तेल बनाया जाता था, जिसका लगभग 300 ड्रम इस तेल के मौके से मिले हैं। कुछ ड्रम खाली भी हैं, 30 ड्रम खाली हैं, 270 ड्रम काले तेल से भरे हुए हैं, जो मिलावटी बताए जा रहे हैं। फिलहाल सूचना मिलने के बाद पुलिस, फूड और सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच जारी है। ये सूचना आई थी हमारे पास चंदाना गेट पर। ये राजू सैनी है, इसने 3 गोदाम में काफी इलीगल तौर पे ना काला तेल इकट्ठा कर रखे है, और ना कोई सेफ्टी को फायर सेफ्टी को लेकर कोई उपकरण है और ना इस पे लाइसेंस है। तो अभी डीएफएससी ने मैडम को भेजा है, इनकी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है और तहसीलदार साहब भी आए हुए हैं। अभी उनकी काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे और उसके बाद जैसी कार्रवाई का। हाँ, कम से कम वो कागज तो दिखाएंगे, बिल दिखाएंगे, कहाँ से आया, कहाँ बनता है ये, किसको आप सेल कर रहे हो, कब ये यहाँ आया था। अब बस्ती में अगर कोई आग लगी। इधर बरवाला शहर में आज नगर पालिका कार्यालय के सामने युवाओं ने अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ।